आज तक की मनुष्य की हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर, या काल्पनिक कहानियों में भी या कल्पनाओं में भी आपने कभी कोई ऐसा जिक्र नहीं सुना होगा, ना ही कोई ऐसी पिक्चर देखी होगी, ना ही ऐसी कोई कहानी सुनी होगी जिसमें दो सच्चे आदमी, दो संत आपस में लड़ रहे हैं, दो महापुरुष आपस में लड़ रहे हैं, या चार पांच महापुरुष हैं और वो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। आपने कोई ऐसा वाक्य नहीं सुना होगा जिसमें संत या महापुरुष आपको उपदेश दे रहे हैं या गाइड दे रहे हैं कि आप, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप शराब पिए, चोरी करें, व्यभिचार करें, नशा करें, जुआ खेलें, ईर्ष्या रखें, क्रोध करें, किसी को मारें, रिश्वत लें, देश का द्रोह करें, गद्दारी करें, झूठ बोलें, आलस करें। ऐसा कोई भी महापुरुष पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा जो आपको इस तरह का उपदेश दे। सभी के उपदेश होते हैं करुणा, प्यार, भाईचारा, मैत्री, फ्रेंडशिप, एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे के काम आना। सारे सभी संतों का पूरी दुनिया में, जो शुरू से लेकर आखिर तक सारे संत हैं, वो सारे संत यही भाषा बोलते हैं। कोई भी संत आपको हथियार रखता हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो संत ये कह रहा है कि आपको हिंसा नहीं करनी है, आपको किसी को मारना नहीं है, वो तो डंडा भी नहीं रख सकता, वो क्यों हथियार रखेगा? अगर वो हथियार रखेगा तो फिर वो संत नहीं है, संत के भेष में असंत है, शैतान है। कोई भी संत आपको पैसा इकट्ठा करता हुआ नहीं मिलेगा। जितने भी हिस्ट्री के अंदर संत हैं, उन्होंने कभी कोई बैंक नहीं खोला, कभी कोई मठ नहीं बनाया, कभी कोई उन्होंने आश्रम नहीं बनाया, ना ही उन्होंने कोई कलेक्शन किया, ना ही वो पैसा अपने पास रखते थे। और अधिकतर जितने भी संत हैं, वो सभी अपने परिवार को छोड़ के संत बने हैं, यानी कि सारा परिवार, पूरी दुनिया उनका परिवार हो गई, वो व्यक्तिवाद से खत्म हो गए। और जब संत वो दुनिया का चोला छोड़े तो पीछे उन्होंने कोई परंपरा भी नहीं बनाई, तो सारी परंपरा, सारी चीजें बाद में बनी हैं। और किसी संत ने ये नहीं कहा कि आप मेरे नाम पे दंगे करना, फसाद करना, लड़ना, मरना, किसी दूसरे संत के अनुयायी को गाली बकना, या किसी दूसरे संत की पॉलिसी को या फिलॉसफी को छोटा या बड़ा करना, या उस पर कीचड़ उछालना, या उसको बदनाम करना, या आपस में इस तरह से करना कि मेरा संत बड़ा या मेरा संत छोटा। और संत की बात तो छोड़िए, जो गॉड को मानने वाले लोग हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो एक ही बात कहते हैं कि सारी दुनिया में एक ही गॉड है, बेशक उसके नाम अलग अलग हैं। तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि जब गॉड एक है, नाम अलग अलग हैं, तो झगड़ा ही कैसा, फिर तो गॉड एक ही है। मगर जो व्यक्ति झगड़ा करता है गॉड के नाम पे, अलग अलग गॉड बनाता है, दरअसल वही शैतान है। शैतान की पहचान वही है जो ये कहता है कि मेरा गॉड अच्छा और तेरा गॉड खराब, तेरा गॉड ऐसे करता है, मेरा गॉड ऐसे करता है। अगर गॉड एक ही है तो ये मुद्दा खत्म हो जाता है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इधर जो अयोध्या है, जिसको अयोध्या बोलते हैं, वहां पे अयोध्या के अंदर जो खुदाई हुई है उसमें कुछ पत्थर मिले हैं। उन पत्थरों पे अशोक के समय के बनवाए हुए शिलाएं, यानी पत्थर की जो बड़ी बड़ी पट्टियां हैं और जो चिन्ह हैं, वो मिले हैं, जिसमें भगवान बुद्ध के चित्र छपे हुए हैं और उनकी सारी मुद्राएं उसमें अंकित हैं और वो चिन्ह भी अंकित हैं जो उनसे संबंधित हैं। तो बहुत सारे लोगों का मेरे पास फोन आया कि आप बुद्ध की इतनी बातें बताते हैं तो इस पे आप क्यों नहीं वीडियो बना रहे हैं। दरअसल वो चाहते हैं कि मैं जो ये अयोध्या के अंदर जो घटनाक्रम हो रहा है उसमें मैं इन्वॉल्व हो जाऊं और उसमें बात करूं। मेरा मत थोड़ा सा अलग है, आप इसको जान लीजिए, क्योंकि मैं शब्दों का और पाली के बारे में बताता हूं, तो पाली की जानकारी मैं आपको थोड़ी सी दे रहा हूं। इससे पहले जो वकील थे KKL गौतम, उनको भी ये जानकारी मैंने दी थी, पर कोर्ट में उनकी बात को नहीं सुना गया, उनको अलग कर दिया गया, वो बात वहां नहीं चली, वो अलग बात है। जो शाक्य शब्द है, पहली बात तो ये शाक्य नहीं है, क्योंकि पाली के अंदर शाक्य होता है। शाक्य मतलब साग और सब्जी उगाने वाले लोग, खेती करने वाले लोग। और जो खेती शब्द है, जो खेती करते हैं उनको खेतिया बोलते हैं। वैसे तो कसक माने किसान है पाली के अंदर, मगर स्पेशल एक कैटेगरी है, वर्गीकरण करें, वर्ग बनाए, तो जो खेत में काम करने वाले वो खेतिय लोग हैं, उनको खेतिय बोलते हैं। खेतिय को बाद में संस्कृत भाषा में आधे के और ख्या को क्षेत्रफल वाला छह बोला गया, तो वो क्षेत्रीय हो गए और वो एरिया को, उसको खेत को क्षेत्र बोलने लगे, और जो काम करता था उसको क्षत्रिय बोलने लगे, यानी खेतीय बोल, खेती की जगह खत्तीय बोलने लगे, क्षत्रिय बोलने लगे। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिद्धार्थ गौतम जो है वो क्षत्रिय है, बेसिकली वो क्षत्रिय नहीं है, वो
खेतियां हैं। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपने खेत में काम करने का जिक्र है जो कई किताबों में है और जिसमें उन्होंने ध्यान लगाया। उनके पास धान के सबसे ज्यादा खेत थे, इसलिए उनके पास धान सबसे ज्यादा आता था और सबसे बड़ी वो खेती करते थे। खेत का मतलब है कि जो जितना पत्थर हटा के जमीन को तैयार कर ले वो खेत उसका। कोई लिखत पढ़त और कागज तो होता नहीं था, ये परंपरा भारत की रही है। वो जो साक्य लोग हैं, जहां साक्यों के खेत होते हैं उसको बोलते हैं साक्य खेत, और साक्य खेत से ही साखेत बना और साखेत से साकेत हो गया, यानी साक्यों के खेत साखेत और साकेत। यानी साकेत जो जगह जहां भी आपको मिलेगी, साकेत बहुत सारे हो सकते हैं, साकेत जो जगह मिलेगी वो वहीं मिलेगी जहां साक्य लोगों के खेत हैं। ये बिल्कुल शब्दावली से स्पष्ट हो जाता है। तो अयोध्या क्या है? ए और योद्धा, पाली के अंदर योद्धा का मतलब होता है युद्ध, और ए योद्धा का मतलब है कि जहां युद्ध के बिना, यानी कि युद्ध के बिना जहां युद्ध ना होता हो तो उस जगह को अयोध्या बोलते हैं। एक शब्द आता है बाबेरू, बाबेरियन से ये बना हुआ शब्द है, बेबीलोनिया से। ये बाबेरू जो शब्द है, दरअसल ये वो लोग थे जो बेबीलोनिया जाया करते थे व्यापार करने के लिए, और बनारस से जाते थे और वहां से व्यापार करके आते थे। इन लोगों के पास बहुत पैसा होता था, इनको बाबेरू लोग बोलते थे। संभवतः इन्होंने जातक नंबर 331 भी है इनके बारे में, और जो बाबरी बुद्ध विहार बोला जाता है वो बाबेरू बुद्ध विहार हो सकता है, क्योंकि बनारस का वहां से ज्यादा दूर नहीं है, और हो सकता है कोई व्यापारी का लगाव रहा हो और उसने वहां पर वो पैसा लगा के बनाया हो, क्योंकि उस समय इतना बड़ा विहार बनाने के लिए या इतनी बड़ी रचना बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि खुदाइयां बहुत धीरे धीरे होती थी, लेबर का सारा काम था, फिर उस पर जो अंकन होता था, टंकन होता था, जो वहां ग्रेविंग होती थी जिसको खुदाई बोलते हैं, उसमें बहुत ज्यादा टाइम और पैसा लगता था। एक एक चीज बहुत बारीक बनाई जाती थी और ध्यान से बनाई जाती थी, तो इसलिए पत्थर बोलते हैं, क्योंकि पत्थरों पर लिखा हुआ बोलता है। ये जो बाबेरू शब्द है, इसी को शायद जो बाबरी करके बुद्ध विहार बोला या बाबरी विहार करके बोला, ऐसा हो सकता है। ये भी कथा है कि साकेत से एक व्यक्ति जो बाबरी नाम का था, वो भगवान बुद्ध के पास गया, वहां उसने दीक्षा ली, वहां से वो सीखा, फिर अपने शिष्यों के साथ में यहाँ आया और उसने यहाँ आके धम्म को सिखाना शुरू किया। क्योंकि अयोध्या का मतलब है ए बिना युद्ध किए हुए, बिना युद्ध किए हुए का मतलब है कि जो शांति से जीत जाए, जो ध्यान से तप से साधना से जीत जाए, जो बिना कोई लड़ाई किए अपने मन की सभी बुराइयों को खत्म कर दे शांति के साथ, बहुत प्यार के साथ, करुणा के साथ, मैत्री के साथ, उसको अयोध्या बोलते हैं, यानी कि अयोध्या, यानी कि बिना लड़े। तो अयोध्या से अयोध्या बना और अयोध्या से फिर अयोध्या नाम इसका पड़ गया, क्योंकि संस्कृत भाषा में योद्धा को योद्धा बोलते हैं, ढह लग गया उसमें छह की जगह। एक शब्द आता है मंदर, मंदर समझ लें क्या है। पाली के अंदर पुरानी समय में कोई मंदिर शब्द नहीं है, मंदर है। मन माने होता है जो हमारा मन है वो, और दर माने होता है दुख और कष्ट, यानी कि जहां आपके मन के दुख और कष्ट दूर होते हों। मन के जो दुख और कष्ट कैसे दूर होते थे, ये भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छी तरह समझाया। आज भी विपस्ना में लोग अपने मन के जितने दुख और कष्ट हैं उनको दूर करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जहां वो अपने मन के दुख को कष्ट को दूर कर सकते हैं उसको मंदर बोलते हैं। कहां जा रहे हैं? मन के दर को दूर करने के लिए, यानी मन के कष्ट को दूर करने के लिए, तो मंदर जा रहे हैं, यानी मन के दर्द को, मन के दुख को दूर करने जा रहे हैं। तो मंदिर से शब्द मंदिर पड़ा, मगर ये मंदिर बनाने की जो परंपरा या जो ये जो पूजा स्थल है या देवालय या बनाने की जो परंपरा है, ये बुद्ध के समय तक भी थी नहीं। बुद्ध के समय तक क्या था? बुद्ध के समय तक आराम बोला करते थे। आराम, आराम का मतलब है बाग, बगीचा या बगिया, क्योंकि बुद्ध का जितना भी सिखाने का काम होता था वो या तो वन में होता था किसी में, जैसे वेणु वन हो गया या आंब वन हो गया, जीवक का आंब वन, जो जीवक वैद्य था उसके आमों का वन हो गया। वेणु वन का मतलब है बांस का वन हो गया, या तो वहां वो डेरा डालते थे, या क्या करते थे कि किसी ने अगर उनको कोई आराम दे दिया बनवा के, मतलब आराम का मतलब बिहार दे दिया बनवा के, कुटियां बनवा के दे दी, जैसे विशाखा ने दी उनको पुब्बाराम, सावित्री के अंदर, पूर्व के अंदर
जो पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा है, उसमें एक बना के उसने कुटिया वगैरह बना के दी जहाँ पानी वानी की व्यवस्था थी और भिक्खु वहां रहते थे और ध्यान साधना करते थे। और जैसे जैतवन का जो जैत का जो कुमार था, जैत कुमार जिसको बोलते थे, उसका जो वन था वो अनाथ पिंडक ने खरीदा, तो उसको जैतवन आराम बोलते थे। ऐसे ही आज की डेट में संघार आराम होता है, जहाँ संघ आराम करता है, संघाराम है, आराम जिसका लगा देंगे इसका मतलब वहां भिक्खु आराम करता है और वहां साधना करता है। विहार का मतलब क्या है? विहार का मतलब होता है निवास करना और रहना। यानी अगर हम ये कहते हैं बौद्ध विहार, इसका मतलब है कि बौद्ध शब्द तो बाद में आया है। अगर हम ये कहें भिक्खु विहार है, तो भिक्खु विहार का मतलब है जहां भिक्खु निवास करता है, रहता है। विहार माने निवास करना होता है, विहरती माने रहना होता है। तो ये विहार वहां से पड़ा है। भगवान बुद्ध के बाद में इतने सारे वहां पे विहार बने उस जगह में, मगध और आसपास में, उसका नाम ही बिहार पड़ गया मगध से। अब उसको जो बिहार कहते हैं वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा विहार बन गए थे, इसलिए बिहार बोलते हैं उसको। तो ये शब्द जो बताते हैं, ये शब्द चूंकि पुराने शब्द हैं और ये एक एक कड़ी आराम से खोलते हैं। बुद्ध के समय तक कोई पगोड़ा या कोई इस तरह की चीजें नहीं बनती थी, मगर बाद के समय में जो बुद्ध के सील थे, यानी जो सील थे वो बड़े फेमस हुए, और उन सीलों को याद करने के लिए सीलंग को स्तूप के रूप में बनाए गए, उसको सीलंग बोला करते थे। सीलंग से वो शीलंग हुआ, और शीलंग से क्योंकि सील से शील हुआ, और सील से शीलंग हुआ, और शीलंग से वो शिवलिंग हुआ। इसका लिंग से कोई मतलब नहीं है, जो आदमी का लिंग है, क्योंकि पाली के अंदर जो लिंग है, लिंग का मतलब होता है चिन्ह या जो निशान होता है उसको लिंग बोलते हैं। यानी कि एक निशान बनाया गया जो शीलों का था, जिसमें सील थे, इसलिए जितने भी स्तंभ हैं उनमें आपको भगवान बुद्ध का या तो कमल मिलेगा, या नागवंश का नाग जो बाद में सांप बना दिया गया वो मिलेगा, या आपको वहां पे भगवान बुद्ध का कोई चक्र मिलेगा, या हाथ मिलेगा, या उनके धम्म चक्र मिलेगा, या उनका खुद का फोटो मिलेगा। ये जो रखा जाता है, जो आधार होता है, सीलंग का आधार होता है, इसको बोलते हैं पय्या नेत्र। यानी कि जहां ये सील स्तंभ रखा जाता है उसके नीचे जो आप देखते हैं एक आंख बनी हुई होती है, उसको बोलते हैं पय्या नेत्र। पय्या नेत्र का मतलब है कि जो साधना विपसना करके और जो सील का पालन करके जब आपका ज्ञान बढ़ता है, समझ बढ़ती है, उसको पय्या बोलते हैं, प्रज्ञा बोलते हैं। प्रज्ञा का नेत्र जिसका खुल जाता है उसकी पूरी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती है, बढ़िया हो जाती है। इस पय्या के नेत्र को तीसरी आंख भी बोलते हैं। इसी आंख जैसी आकृति के ऊपर जो सीलों के अंग हैं वो स्थापित किए गए हैं। यानी जिसमें समझ होगी, जिसमें प्रज्ञा होगी, वही सीलों के अंग को स्थापित कर सकता है। ऐसी स्थापना ईरान से लेके और बर्मा तक सारी दुनिया में हुई, इसलिए सीलंग जो है या स्तंभ जो है वो पूरी दुनिया में आपको मिलेंगे, क्योंकि जहां जहां भी धम्म गया है वहां वहां सील और प्रज्ञा गए हैं। तो प्रज्ञा के आंख के ऊपर ये सील का स्तंभ आधारित होता है, और ये वही लोग करते हैं जो प्रज्ञावान होते हैं और जो सीलवान होते हैं। तो ये शब्द बहुत, इसलिए वहां जितने भी स्तूप मिल रहे हैं वो सीलंग के स्तूप हैं। एक प्रश्न जो बहुत ज्यादा चलता है और जो मिथक भी है और भ्रामक भी है, वो ये है कि मुसलमानों ने बुद्ध विहारों को तोड़ा या नालंदा में आग लगाई। ये दरअसल मिथक और ये बहुत गलत तरह का प्रचार है और ये झूठा प्रचार है। कारण क्या है कि पहली बात तो मुसलमान का जो पूरी दुनिया में अस्तित्व है वो 1400 साल पुराना है, और भगवान बुद्ध का 2600 साल पुराना है। तो 1400 और 2600 में पूरे 1200 साल का अंतर है। तो 1200 साल तक लगातार चलता रहा, मगर ये पहले ही नष्ट किए जा चुके हैं, तब तक तो मुसलमान का नाम भी था नहीं। दूसरा यह है कि अगर मुसलमान इनको नष्ट करेगा, यानी जो आक्रामक मुसलमान है, जो अफगानिस्तान के रास्ते लुटेरे मुसलमान आए, अगर वो लूटेंगे तो उनके लिए तो सारे जो जितने भी भारत में स्थल हैं, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो कोई पूजा स्थल है, चाहे वो कोई कैसा भी स्थल है, वो तो सारे एक से हैं। क्योंकि बुद्ध के जो स्थल हैं उनमें पैसा तो होता नहीं, तो लूटेंगे क्या? उनके पास कुछ होता भी नहीं, चीवर का कपड़ा होता, ले जाओ, कोई क्या लेगा? तो जब पैसा लूटने वो आया नहीं और पैसा उसको वहां मिला नहीं, तो वो लूटेगा क्यों? और अगर वो लूटेगा भी तो पूरे भारत में एक सा लूटेगा, तो कोई बचना नहीं चाहिए। मगर भारत में बहुत सारे प्राचीन पूजा स्थल अभी भी मौजूद हैं, तो इससे ये तय होता है कि मुसलमानों ने पिक एंड चूज तो किया नहीं होगा, या हो सकता है कि पिक एंड चूज किया हो उन्होंने। उन्होंने कहा हो कि ये जो बुद्ध के स्थल हैं इन्हीं को तोड़ेंगे और किसी स्थल को नहीं तोड़ेंगे। तो फिर वो बुद्ध के स्थल तोड़ने के लिए अलाउ किसने किया? किसने बताया कि यही स्थल तोड़ने हैं और क्यों तोड़ने हैं? और बाकी छोड़ने का उनके दिमाग में कैसे आया कि ये छोड़ने हैं, इनको तोड़ना नहीं है? ये प्रश्न बड़े अजीब से और बड़े कमाल के हैं, आपको सोचना चाहिए। अगर कोई उनको लेके आ रहा है तो वो बुद्ध के स्थल को तोड़वाना क्यों चाहता है?
क्योंकि क्या वो बुद्ध को मानता नहीं है, क्या वो बुद्ध के भारत का नहीं है, क्या वो बाहर का है, बुद्ध का उसका झगड़ा क्या है जो उसने बुद्ध के ही स्थल तोड़वाए, और जो नहीं तोड़ पाए वो कब्जा कर लिए गए और बुद्ध का नाम बदल के वहां उन्होंने अपना काम शुरू किया अधिकतर जगह जितने भी भारत में है, क्योंकि जितने भी मंदिर हैं या जितने भी स्थल हैं वो बुद्ध के नाम से ही जाने जाते हैं, बुद्ध के ही हैं। तो ये सरासर गलत बात है कि मुसलमानों ने यहाँ आके स्थल तोड़े, इसका कोई सबूत मिलता नहीं है, ना ही ये थ्योरी में कहीं फिट बैठता है, ना ही कहीं समझ में आता है, क्योंकि मुसलमान अगर तोड़ेगा, आक्रंता तोड़ेगा, लुटेरा अगर तोड़ेगा तो सारे तोड़ेगा, पिक एंड चूज नहीं करेगा, और अगर पिक एंड चूज करता है तो उसका कोई कारण होगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर वो तोड़ रहा है बुद्ध के, तो बुद्ध को तो लोग अवतार मानते हैं, तो अवतार मानते हैं तो सारी जनता खड़ी हो जानी चाहिए, क्योंकि अवतार का अगर मंदिर टूट रहा है, अगर अवतार का कोई स्थल टूट रहा है, तो भारत में सभी लोग अवतार को मानने वाले हैं, तो फिर सारे लोग खड़े क्यों नहीं हुए, सारे लोगों ने उनको तोड़ते समय रोका क्यों नहीं, सारे लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया, सारे लोगों ने फिर बाद में वो बनाए क्यों नहीं, अगर वो तोड़ भी गए तो बाद में जब शासन सत्ता बदल गई तो वो बनाए क्यों नहीं, उनकी मान्यता क्यों नहीं मानी, उनको क्यों दबा दिया गया जमीन के अंदर, क्यों उनका जिक्र खत्म कर दिया गया, और क्यों सम्राट अशोक का इतना बढ़िया शासन था उसका कोई नाम नहीं लेता, क्यों उस शासन की कोई बात नहीं करता, जबकि 26% दुनिया का GDP उस समय था, सारी सेना इतनी मुस्तैद थी कि कोई विदेशी आक्रमण का कहीं रिकॉर्ड नहीं है, इतना बड़ा बृहद भारत तो आज तक कभी किसी ने बनाया नहीं, सोचा भी नहीं जितना बड़ा बृहद भारत उसने बनाया, जो बृहद भारत की असली कल्पना है वो तो उसी ने साकार की, इतना कामयाब राजा था कि उसके नाम से विदेशी थर्राते थे, बल्कि उसके दरबार में हाजी बजाया करते थे और अपनी लड़कियों की शादी यहाँ आके किया करते थे खुशी के साथ में, गर्व के साथ में, जैसे आज के समय लोग अंग्रेजों से शादी करते हैं बड़े गर्व के साथ में कि हमें तो बड़ा गर्व है कि हमने किसी अमेरिकन से शादी कर ली या हमने किसी ब्रिटिश से शादी कर ली, तो बड़ा गर्व है, भारत की हीरोइनें भी विदेशी में जाके जो शादी करती हैं उनको गर्व महसूस होता है, तो ऐसा ही गर्व तब महसूस होता था जब विदेशी लोग भारत में यहाँ हमारे लोगों से अपनी लड़कियों की और शादियां करते थे, तो इतना गर्वीला इतना गौरव वाला भारत था अशोक के समय में, उसको किसने खत्म किया, क्यों खत्म किया, क्या वो गर्व मंजूर नहीं था उनको, जो गर्व होता था, क्या वो 26% जो GDP था उनको अच्छा नहीं लगा, क्या भारत में जितनी सुख सुविधाएं एक एक आदमी के पास थी वो उनको अच्छी नहीं लगी, ये एक सोचने के बड़े ही बारीक से प्रश्न है। अब प्रश्न ये आता है कि अगर मान लो वहां आपने जो स्टैचू निकली हैं, जो वहां शिवालय जो वहां शिलाएं निकल रही हैं और जो वहां बुद्ध के अवशेष निकल रहे हैं, तो पूरी दुनिया ये जानती है कि ये बुद्ध के अवशेष हैं। बुद्ध की फिलॉसफी में खास बात है कि बुद्ध के जो लोग हैं वो जानते समय समझते समय साइलेंट रहते हैं, और इतने भी साइलेंट नहीं है क्योंकि वो प्रज्ञावान होते हैं, वो जानते हैं कि एक मान्यता जिसको जख्मी किया गया है, एक मान्यता जिसको लूटा गया है, एक मान्यता जिसको तोड़ा फोड़ा गया है, एक मान्यता जिसको विलुप्त किया गया है, उसकी लाश पर अगर आप अपनी मान्यता बनाओगे तो वो कामयाब नहीं होगी, ये नेचुरल नियम है, ये नेचुरल लॉ है, ये प्रकृति का नियम है, अगर अच्छे मन से आप करोगे तो मान्यता रहेगी और अच्छे मन से नहीं करोगे तो मान्यता ही नहीं रहेगी, काम ही खराब हो जाएगा उसका, क्योंकि सारी दुनिया इस बात को जानती है कि वहां क्या है और क्या नहीं है, ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, ऐतिहासिक प्रूफ हैं, सारे सारे निकल के आ रहे हैं, दबाने से सच्चाई नहीं दबती, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि तीन चीजें छुपती नहीं है, एक चंद्रमा, एक सूरज और एक सच्चाई, बादल छटते हैं और ये निकल के आ जाते हैं, समय सब जानता है, दुनिया सब देख रही है, दुनिया में बौद्धों की संख्या बहुत ज्यादा है, बौद्धों से मतलब है जो प्रज्ञा का इस्तेमाल करते हैं, भगवान बुद्ध की फिलॉसफी को जानते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और डे बाय डे उनकी बढ़ रही है, ईंट पत्थरों में कुछ नहीं रखा, मगर मान्यता के ऊपर मान्यता बनाने से कामयाबी नहीं मिलती। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं, हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद।
Shall I?